press the bell icon on the YouTube app and सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे एक पाकिस्तानी पत्रकार है आरजू काजमी की बहन दुर्दाना नजम, जिसने हमारी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी पे काफी गंभीर इल्जाम लगाए हैं। तो इसी वीडियो में आप देखेंगे नाज़िया इलाही खान जी का पलटवार और जबरदस्त रिप्लाई। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। देखिए, मुझे जहाँ तक आइडिया है, जहाँ तक मुझे पता है, मेरी कई रोड शो की और कई दिल्ली के इंटरव्यूज की, बंगाल के इंटरव्यूज की, विभिन्न राज्यों के इंटरव्यूज को उठा करके भी ये लोग रिएक्शन बनाते हैं और पाकिस्तान के चैनल्स पर गाहे बगाहे मुझे बुलाया भी जाता है। इवन कल भी मैंने शैला रिएक्शन पर मैंने इंटरव्यू दिया है, तो बहुत सारे चैनल्स पर मैं बैठते रहती हूँ। और मैंने कभी भी किसी डर भय में कोई, मैं अपनी बातों को रखती नहीं। जो बातें क्लियर होती हैं, जो बातें सत्य होती हैं, उन सत्य के आधार पर मैं वो बातें रखती हूँ। और हमारे इस्लाम में या हमारे मुसलमानों में या हमारे अल कुरान में जो बातें लिखी हुई हैं, वो मैं आयत नंबर, सूरा नंबर, पारा, वर्सेस, अरबा, निस्प, सलासा, सारी चीजें रख करके मैं बात करती हूँ। और कई बार मैंने ये बात भी पाकिस्तानी चैनल्स पर कही है, इवन भारत के चैनल्स पर भी मैंने कहा है कि अगर किसी को आपत्ति है या किसी को लगता है कि मैं ये बात गलत बोल रही हूँ, तो आ जाए सामने कन्फ्रंटेशन के लिए, जगह आप चूज कर लीजिए, मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं आ जाती हूँ। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि ना संविधान हाथ में लेकर आऊंगी, ना कुरान हाथ में लेकर आऊंगी, ना हदीस हाथ में लेकर आऊंगी, ना ही मोबाइल हाथ में लेकर के आऊंगी, और आपके सारे सवालों का जवाब पूरे सबूत के साथ मैं दूंगी। लेकिन सामने वाला अपने हाथ में वो सारी किताबें रखे, क्योंकि उसको चेक करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। आपने मुझे दो दिन से कहा कि बैठिए, लेकिन सबको पता है कि प्रचार में मेरी व्यस्तता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, और एक जगह, सिर्फ एक राज्य में मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी कई राज्यों की है। तो कभी धनबाद, कभी झारखंड, कभी बिहार, कभी उत्तर प्रदेश, कभी हैदराबाद, कभी दिल्ली, कभी बंगाल, तो ये मेरा चक्कर चल रहा है। पिछले एक महीना 20 दिन में मैंने 23 ट्रैवल किए हैं। तो इसके लिए मैं माजरत चाहूंगी, माफी चाहूंगी कि दो दिन के बाद आपके साथ बैठना हो रहा है। हाँ, आपने मुझे एक लिंक जरूर भेजा था जिसमें दुर्दाना जो है वो मेरे ऊपर काफी खफा नजर आ रही थी, और खफा होते होते वो इतनी मुखालफत कर बैठी कि इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान मुसलमान देश में बैठ करके, और बड़ा मेकअप पॉलिश और लाली पाउडर पोत करके, और बड़े अभद्र तरीके से कपड़ा पहन करके, टाइट जिस्म में चुस्त कपड़ा पहन करके वो जिस तरीके से मेरे ऊपर एलिगेशंस के बौछार कर रही थी, अगर एक्सट्रेडिशन के किसी केस के माध्यम से मैं खुद जा करके उनको अरेस्ट कर करके ले आई, क्योंकि हमारे संविधान में एक्सट्रेडिट किया जा सकता है, हमारा संविधान इतना खूबसूरत है कि हम कान पकड़ करके दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद को भी लेकर आ सकते हैं भारत, जब यासीन मलिक जेल की सलाखों में रह सकता है, और आज ही सुबह में पंजाब में कई पाकिस्तानी घुसपैठियों को अरेस्ट किया जा सकता है अफीम गांजे के साथ, तो दुर्दाना कौन से मिट्टी की बनी हुई है जो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकता है। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि दुर्दाना की जुबान अगर इससे ज्यादा लंबी हुई और मेरे पास खबर आया कि वो झूठी अफवाह मेरे बारे में उड़ा करके पाकिस्तान के मुसलमान लफंदर मर्दों के साथ साथ वो भारत के मुसलमान लुंगी छाप और मदरसा छापों को भड़काने की कोशिश अगर कर रही है, तो मुझे पाकिस्तान जा करके और डायरेक्ट इंटरनेशनल कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई करने में जरा भी गुरेज नहीं होगा, मुझे वक्त भी नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे किसी वकील को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद अकेले काफी हूं दुर्दाना जैसी कई जिहादन के लिए। मैंने ये भी सुना कि उसने पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की PFI और पाकिस्तान के कई मंत्री और पाकिस्तान के पार्लियामेंट और पाकिस्तान के वजीरे आजम को उसने टैग किया था कि नाज़िया इलाही खान को कोई ना बुलाए।
अरे मैं थोड़ी बोलती हूँ कि मुझे बुलाओ, अपने व्यूज के लिए, अपनी कमाई के लिए और ब्लंट रिएक्शन के लिए अगर कोई मुझे बुलाता है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैंने तो यहाँ तक महेश देखा है कि हमारे भारत के कई मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले और उटंगा पैजामा वाले और कई जिहादन काला काला टेंट पहन करके मुंह को ढक करके डर के मारे मेरे मेरे इंटरव्यूज पे रिएक्शन करती है, मुझे गालियां देती है और फिर उसके व्यूज से अपने घर का चूल्हा जला रही है, अपने घर में रोटी पका रही है। तो मैं तो जान बूझ कर खामोश रह जाती हूँ महेश जी, कि अगर देखिए ऐसे ही हमारे भारत में मुसलमान दलित से भी पीछे है शिक्षा में, नौकरी करना चाहता नहीं है, मुसलमान पंचर की दुकान में काम करता है, टायर की दुकान में काम करता है, संतरे नींबू केला का रेड़ी लगाता है, पढ़ना लिखना इनके बस की बात है नहीं। 1450 साल में इन्होंने कुछ इन्वेंट नहीं किया, कुछ क्रिएट नहीं किया। मुसलमान आज भी हिजाब के पीछे भाग रहा है और लुंगी के पीछे भाग रहा है और मदरसा के पीछे भाग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो भाई कोई बात नहीं है, सोशल मीडिया इतना ज्यादा अब हाईलाइट हो चुका है कि एक कमाई का जरिया अगर मुसलमान जिहादनों को, काले टेंट वालियों को और दाढ़ी टोपी वालों को अगर एक जरिया मिल गया है, और क्योंकि हैशटैग नाजिया इलाही खान डालो तो वो व्यूज चल ही जाता है। मेरा ऑरा ऐसा है कि वो व्यूज चलता ही है। तो हैशटैग नाजिया लिख करके मुझे जो लोग गरियाते रहते हैं, जो गाली देती रहती है जिहादन मुसलमान महिलाएं और जो जिहादी मुसलमान पुरुष है जो बड़ा इस्लाम का झंडा गाड़ते रहते हैं, वो भी मुझे गाली दे दे करके और जाकिर नायक की बातों को जोड़ जोड़ करके मुझे डिफेम और मलाइन करते हैं। मैं चाहूं उन सब पर लीगल एक्शन ले सकती हूँ और उनको खामोश होना पड़ेगा, क्योंकि जाकिर नायक का रेफरेंस दे करके अगर मेरी बातों को गलत साबित कर रहे हैं जो लोग, तो जाकिर नायक तो खुद आरोपी है, भगोड़ा है, भागा हुआ है। जाकिर नायक के ऊपर तो भाई टेररिज्म के सेक्शंस लगे हुए हैं। जाकिर नायक तो अपने स्कूल के माध्यम से जिहादी पैदा कर रहा था, और ये तो मैं नहीं बोल रही हूँ भाई, ये तो कांग्रेस के जमाने, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब से कहा जा रहा है। इवन अरब कंट्रीज ने जाकिर नायक को भगा दिया है, अरब कंट्रीज से वो भगोड़ा भागा हुआ है, वो तो छुपा हुआ है जाकिर नायक। मैं तो चाहती हूँ कि कभी ये जितने लोग जाकिर नायक का झंडा गाड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं, मैं तो चाहती हूँ कि जाकिर नायक के बाप के अंदर ताकत है तो जाकिर नायक जरा भारत की धरती पर कदम तो रखे। नंगा करके मारूंगी मैं जाकिर नायक को, पैंट खोल करके मर्दों से मार खिलवाऊंगी मैं जाकिर नायक को, खुले आम बोल रही हूँ, कैमरा के सामने बोल रही हूँ। और जो हाल यासिन मलिक का हुआ हुआ है वही हाल जाकिर नायक का होगा, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा कानून इतना इतना निहत्ता नहीं है। लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स, कानूनी प्रक्रिया में, कानूनी कार्रवाई में थोड़ा समय जरूर लगता है, पर हमारा कानून इतना निहत्ता नहीं है। एक जो लोग भी जाकिर नायक के रेफरेंस के साथ मेरे मेरी बातों को कटाक्ष करने की कोशिश में लगे हैं, जिस दिन मेरे मेरे पास थोड़ी सी फुर्सत हो गई अपने अपने कार्य से, उस दिन उन सब को पकड़ करके जाकिर नायक के FIR में टैग करवाऊंगी। मैं तो जानबूझ करके छोड़ी हुई हूँ, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के बाद मेरे अंदर इंसानियत बहुत ज्यादा आ गई है, नहीं तो पहले तो मैं सिर्फ थप्पड़ से ही बात करती थी। क्या 2014 भाषण में लोग भूल गए हैं क्या? मेरा 2016 का भाषण भूल गए हैं क्या? मेरे बात करने का तरीका जो 2017 में था, 2018 में था, वो लोग भूल गए हैं क्या? हम शरीफ क्या हो गए कि लोग गुंडा बनने और जिहादी बनने के चक्कर में खड़े हो गए? तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट स्पोकन और एक सॉफ्ट ऑरा मेरे अंदर आ गया है, और माफी की जगह मेरे अंदर बहुत ज्यादा आ गई है। अदरवाइज ये चुन्नू मुन्नू, ये चमन्नी अटन्नी क्या है? एक नोटिस भेजेंगे, दूसरा FIR करेंगे और उसके बाद टालेंगे। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि दुर्दाना, शी इज नथिंग, शी इज इन फ्रंट ऑफ मी, शी इज लाइक माई शूज एंड नथिंग एल्स। मुझे लगता है कि दुर्दाना के तो मेरा चप्पल जूता होता होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहां पे आपने देखा
भारत की बेटी नाज़िया अली खान जी ने कैसे दुर्दाना नजम को आड़े हाथों लिया और उसे पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। वेल, दुर्दाना नजम वही है जो भारत के बारे में भी काफी कुछ अनाप शनाप बोलती रहती थी, पर उस बेचारे के चैनल पे कुछ भी व्यूज नहीं आते, तो इसलिए व्यूज पाने के लिए उसने हमारी बहन नाज़िया अली खान जी का नाम का इस्तेमाल किया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।